अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल किचन विद सना। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। गर्मियों का सीज़न है और हर घर में चटनियों का इस्तेमाल बहुत ही शौक से किया जाता है और बनती भी हैं। आज मैं आपके साथ अपनी अम्मी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें दो मैं आपके साथ चटनियों की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। वीडियो को मुकम्मल देखिए और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। गर्मियों की सीज़न में आम किसी भी टाइप में और घरों में खाया जाता है, तो मैं आज बनाऊंगी कच्चे आम की चटनी और पके आम की चटनी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कैरी की चटनी। यहाँ पे तकरीबन 1 किलो मैंने कैरी ली है, जिसको धो के साफ़ कर लिया है। अच्छे खूब पके कच्चे आम हैं, ये अचारी आम जिन्हें कहते हैं व्यूअर्स, जिनका मैं छिलका उतार लूँगी और इसे बारीक स्लाइसिस में कट कर लेंगे। बहुत ही मज़े की अचारी चटपटी चटनी हमारी तैयार होगी और लॉन्ग लास्टिंग, आप इसे फ्रिज में सेव रख सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, सारे कैरी के छिलके मैंने उतार लिए थे और इसे इस तरह बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। बड़ी झटपट से शॉर्ट टाइम में ये हमारी चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, सारे स्लाइसिस इस तरह मैंने बारीक कट कर लिए हैं। इसकी गुठलियाँ भी जो हैं वो भी मैंने साथ रखी हैं, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसे अब हम करेंगे बॉयल। बॉयल करने के लिए मैंने एक पैन में तकरीबन लिया 1 गिलास पानी और इसमें मैं सारी कैरी डाल के इसे बॉयल करूँगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट हमने इसे बॉयल करना है कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए। ज़्यादा हमने इसे ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये बिल्कुल घुल जाएगी और मिक्स हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, कैरी का कलर जो है वो चेंज हो गया और ये देखिए बिल्कुल लाइट सी ये सॉफ्ट भी हो गई है। इस स्टेज पे मैं इसका पानी जो है वो ड्रेन आउट कर दूंगी और इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट पंखे के नीचे हम इसे ड्राई कर लेंगे। अब पैन में मैंने लिया तकरीबन 500 ग्राम चीनी। 1 किलो मेरे पास कैरी थी, 500 ग्राम मैंने चीनी लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी पानी और चीनी को खूब अच्छा सा डिजॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना, ज़्यादा हमने इसका तार वाला शीरा नहीं बनाना है, जस्ट हल्का सा स्टिकी सा हम शीरा बनाएंगे इसका। ये देखिए व्यूअर्स, चीनी सारी डिजॉल्व हो गई है और शीरा इसका रेडी हो गया है। इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करूंगी जो मैंने कैरी को ड्रेन आउट कर लिया था पानी को, इसको हम डालेंगे और बिल्कुल फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी सी ये चारी चटनी तैयार होगी। इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करूंगी 2 लेमन पीसेस, जिससे इसकी खुशबू और हल्का सा इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, शीरा जो है वो हमारा हल्का सा थिक होना शुरू हो गया है। यहाँ पे अब इसमें ऐड करेंगे हम स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैंने लिया सबसे पहले नमक, सादा नॉर्मल नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं, और काला नमक 1/2 टीस्पून। इसके साथ 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा होल गर्म मसाला बारीक पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी सौंफ, इसको भी मैंने बारीक पीस लिया है। इसके साथ 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा राई दाना, जिससे इसका अचारी सा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी कलौंजी, जो कि सुन्नत नबी के हिसाब से शफा भी है और बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर भी आता है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है जिंजर पाउडर और 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर। स्पाइसेस की जो क्वान्टिटी है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए बस इसे जस्ट तकरीबन 3 से 4 मिनट मैं पकाऊँगी मीडियम फ्लेम पर। इस स्टेज पे मैं इसमें जो मैंने लेमन पीसेस डाले थे उन्हें डिस्कार्ड कर दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, इन्हें अब हम निकाल लेंगे दोनों पीसेस को और चटनी को मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे कि यह अच्छी सी गाढ़ी हो जाए और उसका कलर भी ज़बरदस्त आ जाए। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी कैरी की खट्टी मीठी सी अचारी चटनी रेडी हो गई है। इसे ठंडा करके मैं बाउल में निकालूंगी और किसी भी ड्राई जार में रख के आप इसे सेव कर सकते हैं। अब मैं बनाऊंगी पके आम की चटनी। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 2 अदद आम लिए थे, जिसका छिलका काट के इसका मैंने इस तरह पल्प निकाल लिया है और इसकी हम बनाएंगे प्यूरी। ब्लेंडर जग में इसमें डालूंगी और कोई पानी और कुछ भी ऐड के बगैर सिंपल हम इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, आम की कितनी अच्छी सी प्यूरी बिल्कुल बारीक से हमारे पास पेस्ट की तरह तैयार हो गई है। अब मैं इसके लिए बनाऊंगी चटनी। यहाँ पे मैं डालूंगी, मैंने लिया 1/2 दस्ता है, जिसमें डाले हैं थोड़े से ड्राई लीव्स मिंट के, अगर आपके पास फ्रेश लीव्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी नमक और 1 हरी मिर्च जिसे मैंने कट कर दिया है। इसे आपको अच्छा सा बारीक पीस लेंगे भी, बस बहुत अच्छा इसका रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर आता है। मीठे आम का टेस्ट और साथ मिर्चें और स्पाइसेस बहुत ही ज़बरदस्त ये लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए मेरी चटनी अच्छी सी पीस गई है, तकरीबन 1 टेबल स्पून बनी है ये। इसे हम डाल देंगे आम की प्यूरी में और खूब इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। क्यों बस, मेरे घर में बहुत शौक से खाई जाती हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
हमारी कच्चे आम की अचारी चटनी खट्टी मीठी सी और मीठे आम की चटनी हमारी पक्के आम की तैयार हो गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला।